ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने भिंड में पदस्थ एक डॉक्टर को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए डॉक्टर ने फरियादी के खिलाफ गोहद न्यायालय में चल रहे एक प्रकरण में गवाही बदलने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 2,000 फरियादी पहले दे चुका था, 3,000 रुपए शुक्रवार रात को दिए, लेकिन उससे पहले उसने लोकायुक्त में शिकायत की थी। थाटीपुर नदी पार टाल अशोक कॉलोनी में डॉक्टर के घर पर जैसे ही डॉक्टर ने रिश्वत अपने हाथ में ली, लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को लेकर लोकायुक्त पुलिस मुरार थाना पहुंची है। आगे की कार्यवाही वहां पर की गई है। लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक मुन्नालाल कुशवाहा ने ग्वालियर लोकायुक्त एसपी के कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया था कि गोहत न्यायालय में उसका एक प्रकरण चल रहा है। भिंड जिला चिकित्सालय में पदस्थ सर्जन डॉक्टर जीआर साक्य उसकी जांच कर रहे हैं और उसके पक्ष में साक्ष्य देने के लिए उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक ने लोकायुक्त में बताया कि डॉक्टर ने उससे 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे वो 2,000 रुपए पहले दे चुका है। लोकायुक्त ने आवेदन की जांच की और रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद आवेदक और डॉक्टर साक्य के बीच हुई बातचीत के आधार पर आज ट्रैप की योजना बनाई। शुक्रवार रात को डॉक्टर साक्य ने बताए अनुसार तय समय पर आवेदक मुन्ना लाल कुशवाहा ग्वालियर के मुरार स्थित अशोक कॉलोनी में डॉक्टर जीआर साक्य के घर रिश्वत की राशि 3,000 रुपए लेकर पहुंचा। उसने रिश्वत की राशि जैसे ही डॉक्टर साक्य को दी, पहले से बाहर मौजूद ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने डॉक्टर साक्य को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी डॉक्टर को पुलिस लेकर मुरार थाना पहुंची और यहां भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया है। पता लगा है कि आवेदक मुन्नालाल कुशवाहा झोला छाप डॉक्टर है। वह कुछ समय पहले गोहद में झोला छाप क्लिनिक चलाते पकड़ा जा चुका था। उसके प्रकरण की जांच डॉक्टर जीआर साक्य ने की थी। इसी प्रकरण में गवाही बदलने के लिए डॉक्टर आवेदक से रिश्वत की मांग कर रहा था। आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस को बताया कि आरोपी डॉक्टर जीआर साक्य नशे का आदी है। वह शाम होते ही नशा कर लेता है। इतना ही नहीं, आवेदक ने पुलिस को जानकारी दी है कि आरोपी डॉक्टर के बेटे का नाम व्यापम कांड में आया था। अब लोकायुक्त इस मामले की भी सच्चाई का पता लगा रही है। इन्होंने मेरे नाम से केस बना दिया और मेरी तारा रिपोर्ट कर दी थाने में, मालनपुर थाने में। वो केस चल रहा है अभी तक। अभी मेरा तारीख थी 17 जनवरी को, तो जब मुझसे मिले 8-9 तारीख को इनका कॉल आया जी, जी आर साहब, इन्होंने कुशवा जी कि हम 4 गवाह हैं, अगर तुम हमको 5,000 रुपये दे दोगे तो हम आपके गवाह आपके पक्ष में कर देंगे, वो आपका केस हम निपटवा देंगे। मुन्ना लाल कुशवाहा आया और उसने बताया कि उसका केस गोहद न्यायालय में चल रहा है, जिसमें डॉक्टर जी आर साकी की गवाही है, जो जिला चिकित्सालय भिंड में सर्जिकल स्पेशलिस्ट के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने अपनी गवाही मेरे पक्ष में बदलने के लिए मुझसे 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर